ना पशुपतिनाथ टेंपल होता इलेवत आ दिवस पशुपति पशुपतिनाथ टेंपल होता इलेवत महामृत्युंजय यज्ञ एल महारुद्र योग रुद्राभिषेक महामृत्युंजय पशुपतिनाथ देवस्थान धूम हाँ ये क्या सर ये जो गाँव है बागमती रिवर जनासो क्रेमेशन एरिया ये डी डी एरिया डी डिस्ट्रॉय हाँ हाँ बॉडी डिस्ट्रॉय लया लया एरिया लय बोलते हैं लय एरिया ये शिव शिव टेम्पल में जाए इधर भी लय रहता काशी में रहता इधर भी रहता त्र्यंबक इधर भी रहता वो भगवान ऐसा गोल्ड मैं गोल्ड नहीं है बट ऐसा गोल्ड नहीं बनता वो सिंहासन में रहता वैसे स्थान में रहता स्मशान शिवम सुंदर सुंदर मुक्तिनाथ देवस्थान होता है गेट नंबर 1 ಇಲ್ಲಿ ಈಗ टेंपल होते पशुपतिनाथ देवस्थान अति पुरातन का पशुपति देवस्थान पशुपति दिवस इलेगे एंटर आगता मोबाइल ऐन अलविल साकु क्यू है ना 1 नंबर गेट ना हाँ मत महामृत्युंजय इन नोड़बूद महामृत्युंजय बंद पुरातन काल वैशिष्ट्य संप्रदाय मत इवेलो सत्य आगे शिवशंकर भुवन भविष्य
पड़े एक मिनट बीच में मत आइए, बीच में मत आओ, कहाँ से पीछे से जाओ, साइड सर साइड 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 बीच में मत आओ बोला। मध्य बन गया पशुपतिनाथ ಸ್ವತಃ ಇಲ್ಲೇ ಮೊಡೆಗಳ ದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ
ಕಟ್ಮಂಡು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು ಅಂತ ಇದೆ. ಶುಭ ಸ್ವಯಂ ಭೂತನಾಥ್ ಸ್ವಯಂ ಭೂತನಾಥ್ ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಅಂತ ಇದೆ, ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಚಕ್ರ. ಕಟ್ಮಂಡು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉತ್ತರಾಚಡ ಇದೆ. थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आ गया,
वीडियो हो रहा है संगड़ी चल नारायण मंदिर होता ना अति सुंदर वाद विष्णु हावीन शेष अड़ी मलगित चल बहुत सुंदर वाद अति उद्दन मूर्ति नीलकंठ रईत आ रईत नोड़ उद्भवी वर्ष मकल पूजे गीजे या नड़ी हिंग नोड़ी वर्ष मकल पूजे देवर स्वरूप ना नोड़ी रीति हिंग शेषन मेले मलग मुंजाने कठमंडल हिड़द धवलेश्वर देवस्थान सदा देवस्थान स्वल्प होता हूबी सिटी एंटर आगता है नेपा नेपाल कठमंडू
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಗಾಡಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಹೊಸದಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ನೇಪಾಳ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದೆ ಈ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಸಬ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೋಡ್ ಬಹಳ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಗ್ನಲ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸರು ಇರ್ತಾರೆ ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಇವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಆಗಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ನೇಪಾಳ ಬರೋದಂದ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಪಶುಪತಿನಾಥ್ ಮುಕ್ತಿನಾಥ್ ಈ ಎರಡು ದರ್ಶನದ ಭಾವನಾದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪಶುಪತಿನಾಥ್ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿನಾಥ್ ಈಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಢಳೇಶ್ವರ ಪಶುಪತಿನಾಥವನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಪುರಾಣ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಥೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರು ಜಂಗಮರು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಜಂಗಮರು ಕೇದಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ರಿಲೇಷನ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಇವರು ಇಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೂರು ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಆರುನೂರು ಐನೂರು ಆರುನೂರು ವರ್ಷದ ಮೊದಲೇ ಇವರು ಇಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಚೆಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ತಲೆಭಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತು ಕೇದಾರನಾಥ ತಲೆ ಶಿವನ ತಲೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಂಬ್ತಾ ಉಳಿದ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಭಿ ಹಮ್ಲೋಗ ಬಹುತ ಹಿ ಬಡಾ ಧಾನ್ಯ ಆಗೇ ಯೇ ಮಂದಿರ ಕೋ ಬೋಲ್ತೇ ಹೈ ಡೋಲೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ಔರ್ ಯೇ ಗಾಂವ್ ಕೋ ಬೋಲ್ತೇ ಹೈ ಸಿಪಾದೋಲ್ ಸಿಪಾದೋಲ್ ಯೇ ಕೋ ಬೋಲ್ತೇ ಸಿಪಾದೋಲ್ ಮಂದಿರ ಕೇ ನಾಮ ಹೋತಾ ಹೈ ಡೋಲೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ತೋ ಯೇ ಡೋಲೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ಡೋಲೇಶ್ವರ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಕೇದಾರನಾಥ ಆಪ್ಕಾ ಹೆಡ್ ಹೈ ಡೋಲೇಶ್ವರ ಬಡಿ ಹೈ ಕೇದಾರನಾಥ ತೋ ಯೇ ಮೈ ಕೋ ಪ್ರೇಮ ಕೇ ಕೋ ಮಿಲೇಗಾ ಔರ್ ಪಶುಪತಿನಾಥ ಕಾ वही तो बोल रहा हूँ वही क्लियर कर रहा हूँ तो अभी से 10 साल पहले हम लोग पशुपतिनाथ को केदारनाथ के हेड थे 10 साल पहले उससे पहले लेकिन 10 साल के इधर में आए तो पशुपति को केदारनाथ के साथ नहीं बोलते तो कौन गुजर हो गया वो पशु केदारनाथ के साथ पशुपति के केदारनाथ के साथ बोले तो कौन गुजर हो जाता है कौन गुजर को क्लियर करने के लिए बात समझा रहा हूँ तो पशुपतिनाथ बोलने से पशुपतिनाथ बोले तो पंचमुखी शिव है चार मुख ऊपर का एक अर्ध मुख पांच मुख है पशुपतिनाथ में बोले तो केरला का पुजारी है साउथ इंडिया का गंगमठ का गंगमठ नहीं हो सिंगेरी मठ का और पशुपतिनाथ बोले तो भैंस का बॉडी जैसा नहीं है और इसलिए केदारनाथ को पुजारी को लगा हम सभी लोग पशुपतिनाथ को केदारनाथ को हेड बोलते हैं लेकिन कैसे देखने पर भी जसता नहीं है फिटिंग नहीं होता क्योंकि केदारनाथ बोले तो 5000 साल पुराना है केदारनाथ बोले तो भैंसे का बॉडी है केदारनाथ बोले तो जंगम पुजारी है तो पशुपतिनाथ बोले तो लाखों साल पुराना है तो कैसे कंपेयर नहीं हुआ तो उनको बहुत कंफ्यूजन हुआ तो वो नेपाल में आकर सभी मंदिर को चेक करने लगे लास्ट में जब इधर में आया इधर का मूर्ति केदारनाथ के मूर्ति से इधर भी जंगम पुजारी उधर भी जंगम पुजारी इधर भी 5000 साल पुराना उधर भी 5000 साल पुराना और इधर पांडव लोग बोल के नीचे में जंगल के पास में आए थे उस जगह भी है मंदिर भी है हर हिसाब से देखने पर केदारनाथ का साल बोले तो बोले सब फिट हो गया खाली मुख से बोलने से नहीं होता मुख से बोल दिया केदारनाथ से नहीं हो चेक करना पड़ेगा चेक किया यज्ञ निकाला पुराण निकाला बड़े बड़े से लोग से बात किया और इंडिया गवर्नमेंट
6 months लगा के इन्वेस्टिगेशन किया, 6 months इधर में इंस्पेक्शन करना, इधर करना, उधर करना, मिल मिल होता कि नहीं, करता कि नहीं, करता कि नहीं, एवरीथिंग लास्ट को होते हो, जैसे लड़के बने, जैसे लड़के बने, ब्रिटिश मिल गया, तो फिर इंडिया और नेपाल गवर्नमेंट नहीं, खाली नेपाल हिंदू नहीं, इंडिया में भी हिंदू, खाली इंडिया हिंदू नहीं है, नेपाल में भी हिंदू, मंदिर बने तो हिंदू का होता, नेपाल का भी नहीं होता, इंडिया का भी नहीं होता, समझ गया ना। जैसे इंडिया और गवर्नमेंट, नेपाल गवर्नमेंट मिलकर केदारनाथ का स्वर बोले तो पशुपतिनाथ नहीं है, गोले सोरे बोल दिया, उसके बाद में रोड बन गया, उसके बाद में मंदिर बन रहा है, अभी कम्प्लीट नहीं हो रहा है, और उसके बाद में लाखों लोग आ जाते हैं। तो आज आप लोग को जब भोले सर का दर्शन करोगे तो आपका केदारनाथ का दर्शन पूरा हो जाएगा। धोलेश्वर देवस्थान का रोड गए सुखोपड़ा धोलेश्वर देवस्थान धवलेश्वर महाराज की ऐसा होता है बना सागा प्लेस बोले तो इमली को नेपाली लैंग्वेज में पाँव बोलते पाँव तो कहीं भी पाँव भंडार बोले तो समझ आ गई चलने का जगह है। तो यहाँ पर जो दुनिया के अंदर में सबसे बड़ा शिक्षक दुनिया का सबसे बड़ा शिव का मूर्ति देखने को मिलेगा, एक तो एक ही जगह पर भारत में मिलेगा। तो ये नेपाल है, नेपाल में दो चार सीढ़ी करना नहीं, नेपाल में दो चार सीढ़ी उतरना नहीं, तो नेपाल भी नहीं है, इसलिए थोड़ा चल के जाना पड़ेगा। उधर में भारत में थोड़ा डाउन है, सीढ़ी से जाकर एक राउंड करके आना है। तो यहाँ पर एंट्री होने के लिए यहाँ पर एंट्री के लिए तो आप लोग का काउंटिंग करेगा, आप लोग का काउंटिंग करेगा, तो गेट में एक एक करके जाइए, क्योंकि मुझे टिकट देना है उसके बाद में। और सबसे अच्छी बात है इसमें मैं हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पुरातन मंदिर नहीं है, ये खाली सुंदरता के लिए इधर में आना। इधर में आए तो बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा, आगे से केदारनाथ के साथ इलिंद चाइना के होम बनना, चाइना बॉर्डर बनता था, इलिंद कैलाश पर्वत ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಚೈನಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚೈನಾ, ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೈನಾ ಹೋಗೋದು. ಈಗ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದರೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಲಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೈನಾ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣ, ಎ ಸಿ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು. ಸಾಗಾ ಶಿವನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹ. ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇದೇನು ಪುರಾತನ ಪುರಾತನದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನ
पोपड़ आओ सुनता ज्योतिर्लिंग ನಾವು ಭಕ್ತಾಪುರ ಹೊಂಟಿದ್ದೆವು ಭಕ್ತಾಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇದೊಂದು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 80 ಸ್ಟೆಪ್ ಹತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದೊಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಭಕ್ತಾಪುರದ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇನ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಾಪುರ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಪುರಾತನ ರಾಜರು ರಾಜಮನೆತನ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಭಕ್ತಾಪುರ ಈಗ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಭಕ್ತಾಪುರ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜ ಇದ್ದದ್ದು ಅವ್ರ ಒಂದು ಅರಮನೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಹೇಗೆ ಆ ರೀತಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಕೌ ಜನ ಕಾ ಬರೀತೀಯೋ ಖಾಚೆ ಶುಭ ಹ್ಯಾ ಶುಭ ನೇಪಾಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಭಕ್ತಾಪುರ ಇಂದ್ರ ಮಲ್ಲ ಹಂಬೆ ಉಪರ್ ಮಿಶ್ರ
राजमहल इधर राइट साइड पे, यहाँ से लेकर वहाँ तक मेन में यहाँ पर हम लोग काउंटिंग करेंगे तो 55 विंडोज में झाल बोलते हैं, 55 झाले दरबारी 55 विंडोज किंग पैलेस, किंग पैलेस का नाम है। तो वो क्या है, छोटा छोटा राज्य होने से हर हमेशा एक राजा दूसरे राजा के साथ में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, शूटिंग लड़ाई झगड़ा शूटिंग नड़ते थे, गाना का शूटिंग इले भक्तापुर शूटिंग सुर का नड़ता है। आर्मी भी नहीं होना, पुलिस भी नहीं होना, कोई लड़ाई करने के लिए आ गए कोई भी मुश्किल हो गया, इसके ऊपर में घंटा है। अब जिसके ऊपर राजा से न्याय मिलता था, कोई भी मुश्किल हो गया, झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, घर के अंदर नहीं बोला, इधर राइट साइड में मकान जैसा मंदिर जैसा, इसके ऊपर में राजा लोग बैठना, राजा के साथ में 4-5 लोग और भी बैठते थे, वो आपस में डिसाइडेड करके न्याय करते थे। अभी का सिस्टम में बोलना सर कोर्ट, ये चीज है इधर में गोल्डन के, इतना ज्यादा गोल्ड रहेगा तो यहीं पे मारपीट हो जाएगा, लेकिन नेम इज गोल्डन के, गोल्डन के तीन मूर्ति है, कितना काली लक्ष्मी सरस्वती, हिंदी में तीन शक्ति होता है, महाकाली पहले हिम्मत होना, कोई भी काम करने के लिए हिम्मत होना, खाली हिम्मत होने से नहीं होता, दिमाग होना, सरस्वती खाली हिम्मत भी है दिमाग भी है, साधन नहीं है तो क्या करना, लक्ष्मी, इसलिए महाकाली महा सरस्वती महालक्ष्मी, एग्जैक्ट शब्द में बोलने से महाकाली मंदिर है, यह मंदिर इंडिया में ही है, आपको इंडिया में तुलजा भवानी मालूम है, तुलजा भवानी, तुलजा भवानी बोलते है ना, वही देवी तले जो भवानी बोलते हैं, तले जो भवानी, यहाँ का राजा का कुल देवी फैमिलियर गणेश, ये राजा का कुल देवी, इसके अंदर जब हम जाएंगे कोई भी आदमी कैमरा यूज नहीं करेगा, गेट के घुसने पर कोई भी आदमी मोबाइल यूज नहीं करेगा, कंपाउंड के अंदर में ओनली हिंदू पीपल अलाउड है, अंदर में जाते हैं तो भी आपको देवी का मूर्ति देखने को नहीं होता, अंदर कंपाउंड से नमस्ते करके बाहर में आना, तो अंदर में जाकर दशहरा नेपाल महाराजा ने कहते स्विमिंग पूल अंदर ईजुगोला राजर ईजुगोला राज्य मेले स्नान अलगे ना नोड़ो अल्ले हिंदे हमे कुल देवस्थान मन नहीं था, अभी राजा नहीं है रानी भी नहीं है, इंटरेस्ट है तो आप स्विमिंग कर सकते हैं। ये पानी किधर से था, अभी नहीं था पानी, शूटिंग नड़ीता है, शूटिंग नड़ीता है, चलो।
हर टूर के बाद बता रहे हैं मेरा इंस्टाग्राम आईडी यूट्यूब आईडी ठीक है। राजा का मीटिंग हॉल है, मीटिंग हॉल गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस मीटिंग हॉल करना, मीटिंग करना। और ये राजा का मेन पैलेस है, ये राजा का मेन पैलेस। क्या नाम राजा का? नाम भूपति कोर्ट, कोर्ट है ये, वो देवी का पत्थर है, कोर्ट है ये, हां वो देवी दुर्गा का मंदिर है। देवा ದೊಡ್ಡ ಓಲ್ಡ್ ಭಕ್ತಾಪುರ ಸಿಟಿ ಇದೆ ನೋಡಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ नेपाल के लिए। तो यहाँ पे देवी का तांत्रिक देवी का रूप
ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಿಂದೂ ಮಂದಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹಿಂದೂ ಝೋನ್, ಯಾರು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಅಲೌ ಇಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಗುಹೇಶ್ವರಿ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಮುಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿಬಹುದು, ಮುಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಡಿ. ಶುಭ ಶುಭ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ದಾರು ಅಡ್ಡ ಶಾಖ ಸಬ್ ಬಲಿ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ह्या चौड़ देवन बस अच्छा
ಜನ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಓಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳ್ತಾರ ನಾಳೆ ಅವನು